बाद गांव लौटा हूँ। बहुत अच्छा सम्मान दिया सभी ग्रामवासियों ने, दिल खुश खुश हो गया। बहुत प्यार सम्मान सत्कार मिला मेरे को यहाँ आने पर। शुरू में थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे समय निकला। और रही बात, ये एक कहावत है कि भी ज़िंदगी में देश को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में किसी को मौका मिलता है, तो इस बार देश की जो बचाने का था वो हमारे ऊपर था, डॉक्टरों के ऊपर था, तो हमने उसको अपनी जो मौका मिला था उस मौके को भरपूर फायदा उठाया कि भी आज हमें हमारे देश को हमें बचाना है और ये मौका हमें मिला है। सब गांववासियों का प्यार है, इनका हमेशा हमारे पे प्यार सम्मान रहा है, हमेशा बड़ों का आशीर्वाद रहा है, छोटों का प्यार रहा है। ठीक उसी तरह मैं काफ़ी 6 महीनों के बाद आया हूँ, तो इनके दिल की खुशी ही थी, उन्होंने अपने खुशी इस रूप में अपजाई थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कोरोना को लेकर मेरा एक ही संदेश है कि ये एक ऐसी बीमारी है जब हमें दूर दिखती है तो हमें लगता है कि ये दूर है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये ना कब हमारे पास आ जाएगी ये पता पड़ता नहीं है। और जब आती है तो बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, जितनी ये प्रदूषण जिस तरह से फैलता है उस तरह से बहुत तेज़ी से फैलती है। और इसका एक ही अभी तक बड़ा से बड़ा रूप है कि बचाव सबसे बड़ा हमारे पास जो उपयोग है, बचने का वही ये बचाव है। और इस बचाव के लिए सरकार ने हर तरह से अपनी कोशिश की है, सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़ के थ्रू कि भाई किस तरह से बचाव किया जाए, तो उन्हीं का हमें पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, ठीक है, समय पे हाथ धोने का, इसी से हम बच सकते हैं। अभी तक हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारे ज़िले में बाड़मेर का तो चलो कुछ केस आए हैं, लेकिन हमारे स्पेशल तहसील में इतनी फैलानी इतने केस नहीं मिले, ये एक अच्छी बात है।